मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं हूं आपका डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। आप देख रहे हैं ओम एस्ट्रो चैनल। मैंने अब पीछे राहु का गोचर की वीडियो आपको दिखाई कि राहु का गोचर जो 2022 में हो रहा है, जो अलग अलग राशियों में ये क्या प्रभाव डालेगा। अब मैं सीरियल 22 बृहस्पति का गोचर, इसका डिफरेंट राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो इसे जरूर देखें और इसे गाइडलाइन लें। ये आपके करियर को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सेहत को बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा, ये मेरा दावा है। मैं इसी काम में लगा हुआ हूं और जीवन पर्यंत लगा रहूंगा ताकि हमारे सनातन का विस्तार हो सके, दुनिया में सनातन का फिर बोलबाला हो, हमारी संस्कृति का बोलबाला हो। हर ग्रह टाइम के अनुसार बदलता रहता है। जैसे शनि एक राशि में तकरीबन 2.5 साल रहता है, उसी तरह बृहस्पति जो है एक राशि में तकरीबन 1 साल तक रहता है। बृहस्पति इससे पहले कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। अब 13 अप्रैल 2022 से बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है और इसमें ये बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो हम आज बात करेंगे मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मीन राशि में गोचर क्या रिजल्ट देने वाला है, इन लोगों की सेहत कैसी रहेगी, इन लोगों का बिजनेस कैसा रहेगा, इन लोगों का करियर कैसा रहेगा, इनका दंपत्य जीवन कैसा रहने वाला है, ये सब टॉपिक आप इस वीडियो में जानेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव 12th हाउस में हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 6, 8, 12 कुंडली के दूस्थान गिने गए हैं या बैड हाउसेस गिने गए हैं। 12वें घर में बृहस्पति का आना अशुभ माना गया है, लेकिन मैं इसे अशुभ नहीं मानता। राहु का मतलब ये विदेश का कारक है और जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं और मेष लग्न वाले या मेष राशि वाले हैं, उनके लिए ये अति उत्तम 1 साल का समय है। उन्हें फॉरेन से कामयाबी मिलेगी। जो लोग इमिग्रेशन का काम करते हैं उनको भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव को एक्सपेंड कर देता है, उसका विस्तार कर देता है। बारमागर बेस स्थान गिना गया है। बारमागर आपका बेडरूम प्लेयर्स को इंडिकेट करता है। बारमागर सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करता है। और बृहस्पति जिस घर में बैठता है उस घर को एक्सपेंड करता है, जिस घर में बैठता है उस घर की हानि करता है। मेरे प्रिय जातकों, मेष लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन खर्चा शुभ कामों में होगा। इन लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा विचार आएंगे, अध्यात्म की ओर इनके विचार बढ़ेंगे। इनको बेडरूम प्लेयर्स में कामयाबी मिलेगी। जे लोग अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे और बृहस्पति की तीन दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। बृहस्पति की दृष्टियां अति शुभ मानी गई हैं।
भार्मिका से बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में हो रही है। चतुर्थ भाव को सुख स्थान कहा गया है या माता का स्थान कहा गया है। जो लोग पीछे प्रशांत चल रहे थे उनके तो राहत मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी का या मकान का प्लान कर रहे थे उन्हें इस साल में मकान खरीदने में मुझे लगता है काफी अच्छा अवसर है का प्लान करें मकान का, या कोई भी कार लेनी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये अच्छा समय है। आपकी माता का स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि छठे घर में हो रही है। छठा घर रोग क्षेत्र और ऋण का है। जो लोग बीमार चल रहे थे उन्हें रोग से छुटकारा मिलेगा। जो लोग को पर कर्जा चढ़ा हुआ था कर्जे में निजात आएगी। जिन लोगों के दंपति जीवन में कुछ अनबन थे कुछ सुधार के संकेत दिखाई देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, बृहस्पति की नवम दृष्टि बारहवें घर से जी आपके एट्थ हाउस में हो रही है। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, परिवर्तन, अचानक होने वाली घटनाएं आपके इनलाज को इंडिकेट करता है। आपके जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाएं, तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें आपको अचानक कोई ना कोई फायदा हो सकता है, कोई ना कोई आपको अचानक पैदा हो सकता है। आपका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ सकता है। गूढ़ रहस्य में चीजों की आपके दफ्तर हो सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट है, या कोई न्यूमरोलॉजी का करते हैं उनके लिए यह अच्छा है। माइंड में इंट्यूशंस के ज्यादा बढ़ेंगे और एट हाउस से हम यात्राएं भी देखते हैं। लंबी यात्राओं के लिए ये जो बहुत उत्तम है। जो लोग इमिग्रेशन चाहते हैं, जो लोग फॉरेन स्टडी में जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, ये एक साल उनके लिए अति उत्तम है। अपने समय का उपयोग करें, अपने गोचर्स को देखें और उसे आप गाइडलाइंस में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके करियर, आपकी पर्सनालिटी, आपके हेल्थ चार चार मिली। आपकी हेल्थ में तनाव रह सकता है, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको डिप्रेशन भी हो सकती है। इससे बचने के लिए क्या करें, आप प्राणायाम, योग, मेडिटेशन जरूर करें। प्राणायाम, योग, मेडिटेशन जरूर करें। अपने लाइफस्टाइल के द्वारा ही अपने आप को ठीक करें। जो मेष लग्न वाले जातक मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे सभी से अनुरोध करता हूं कि वो प्राणायाम, योग, मेडिटेशन जरूर करें। उद्गीत प्राणायाम अवश्य करें। उद्गीत प्राणायाम जरूर करें। पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान बृहस्पति सदैव आपसे रक्षा करें। जय श्री राम।